नमस्कार किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपकी अपनी फसल समाधान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं जानकारी देने वाला हूं, अगर आप लौकी, कद्दू, तोरई व करेला की खेती करते हैं, यानी बेल वाली फसलों की खेती करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी स्प्रे का नाम बताने वाला हूं जिसे आप अपनी फसल में छिड़काव करके एक अच्छी पैदावार पा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्प्रे में आपको तीन दवा लगानी है। पहली इंसेक्टीसाइड है, दूसरी यह टॉनिक है और तीसरा फंजीसाइड है। आप देख सकते हैं तीनों दवाएं अच्छी कंपनी की हैं। पहली कंपनी सफेक्स की है, दूसरी यह जर्मन कंपनी की है, तीसरी यह UPL कंपनी की है। जी हाँ, तीनों की एक एक करके संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इसकी डोज क्या है और यह किस प्रकार लगाई जाती है। अगर हम पहली दवा की बात करें तो हम कह लेते हैं एम्पायर, यह एम्पायर नाम से दवा आती है। अगर हम इसके कंपनी की बात करें तो यह सफेक्स कंपनी की यह इंसेक्टीसाइड आती है। जी हाँ किसान भाइयों, यह एक कीटनाशक है। इसमें साल्ट की बात करें तो इसमें पायरोपैक्सोफेन और प्लस बाइफेंथ्रून, इसमें दो साल्ट रहते हैं। यह सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को नियंत्रण करता है। सब्जी वाली फसल में जितने भी रस चूसक कीट आते हैं यह सबको मारता है। बेल वाली फसल में एम्पायर कीटनाशक बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आप स्प्रे में इसको मिला सकते हैं। अगर हम एम्पायर के डोज की बात करें तो इसे आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज ले सकते हैं। अगर हम 250 ml एम्पायर के कीमत की बात करें तो यह आपको 500 रुपये के समथिंग 250 ml मिल जाएगा। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं जर्मन किंग के बारे में। अगर हम इसके कंपनी की बात करें तो यह जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी का यह प्रोडक्ट आता है। अगर हम इसमें साल्ट की बात करें तो यह अमीनो बेस टॉनिक होता है। इसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ इसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है, तो इसे आप अपने बेल वाली फसल में लगा सकते हैं। जर्मन किंग के नाम से यह प्रोडक्ट आता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसे आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे में इसकी डोज ले सकते हैं। अगर हम 250 ग्राम के रेट की बात करें तो यह आपको बाज़ार में 550 रुपये के समथिंग 250 ग्राम मिल जाएगा, जो एक एकड़ फसल के लिए पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं तीसरी दवा की। तीसरी दवा का नाम है सांप। जैसा कि आप जानते ही होंगे, यह UPL कंपनी की यह प्रोडक्ट आता है। इसमें कार्बन डाइजेब प्लस मैनकोजेब होता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसे आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस सांप को ले सकते हैं। अगर हम इसके रेट की बात करें तो यह 300 ग्राम सांप आपको 150 रुपये के समथिंग मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बेल वाली सब्जी की फसल करते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, तोरई, करेला की फसल करते हैं, तो आप इन तीनों दवाओं को लगा के एक अच्छी पैदावार पा सकते हैं। पहली दवा है जर्मन किंग, इसे आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना है। दूसरी है एम्पायर, जो कीटनाशक है, इसे आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना है। और तीसरी दवा है सांप, इसे तो आप जानते होंगे, इसे आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगानी है। तो अगर आप अपने फसल की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो आप इन प्रोडक्टों को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी। इन तीनों दवाओं की अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उनसे संपर्क करके इस दवाओं की अधिक जानकारी ले सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय किसान।